नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं रविवार 29 अगस्त 2021 के आपके राशिफल के बारे में। मित्रों, यह समय आपका लव, स्वास्थ्य, कैरियर और धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, वहीं मित्रों यह समय किन किन चीज़ों से लेकर आपको सावधान रहना होगा, आखिर ऐसी कौन कौन सी कार्य आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, जानेंगे हम पूरी विस्तार से। वहीं मित्रों, वीडियो के अंत में शुभ रंग और शुभ अंक दिए गए हैं, साथ ही एक सटीक उपाय जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे जिनका भी यह समय जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। चलिए बात करते हैं आज की पंचांग। 29 अगस्त और इस दीवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है। नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह सुबह के 6:39 तक रहने वाला है। वहीं मित्रों, योग की बात करें तो इस दिन ध्रुव नामक योग बन रही है, जो कि यह सुबह के 6:44 तक चलता रहेगा। वहीं मित्रों, इसके उपरांत व्याघात नामक योग आरंभ हो जाएगी और चंद्रमा इस दिन मेष राशि पर संचार करेगा, सुबह के 10:20 तक रहेगा। वहीं मित्रों, इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा। आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर के 12:02 पर शुरू होगा और 12:52 पर समाप्त होगा। अभिजीत मुहूर्त के समय किए गए निवेश आपके लिए फलदायी साबित होगा। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय रहेगा शाम 5:09 पर शुरू होगा, 6:43 पर समाप्त होगा। राहु काल के समय किसी भी तरह के निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है। आचार्य चाणक्य नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज को दूसरों को ना बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग आपकी जिंदगी से खेल कर चले जाए। मित्रों, अगर इन सभी बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दें। चलिए बात करते हैं आज का राशिफल। वृषभ राशि जातकों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार धंधा आपका अच्छा चलेगा और एक अच्छी खासी आपको इनकम हो सकती है। वहीं मित्रों, कार्य क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भाइयों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा, एक दूसरे का आज आपको मदद मिलेगा। वहीं मित्रों, आज आपके भाई बहनों में तालमेल बना रहेगा, एक दूसरे का मान सम्मान मिलेगा। वहीं मित्रों, जीवन में आपको सफलता के नए मार्ग खुलेंगे और आज आप किसी नए चीजों की शुरुआत भी कर सकती हैं। वृषभ राशि जातकों, गृहस्थ जीवन में आनंद पूर्वक वातावरण रहेगा और किसी धार्मिक या मांगलिक प्रसंग में शामिल हो सकती हैं। वहीं मित्रों, आज आप पूजा पाठ आदि कर सकती हैं, जिससे समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। वृषभ राशि जातकों, अपने साथियों से आज आपको धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए आज आप एक दूसरे पर नज़र रखें और सतर्क होकर रहें। वहीं मित्रों, आज आपको अनावश्यक खर्चे बढ़ने से आज आपको तनाव हो सकता है, आज आप परेशान हो सकती हैं। वहीं मित्रों, आज आप तीर्थ यात्रा पर भी जाना हो सकता है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि जातकों, आज आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको पदोन्नति होने और आपकी आय में वृद्धि होने की अधिक संभावना है। वहीं मित्रों, आज आप अपना काम अथक और मेहनत से करेंगे तो बेहतर होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि जातकों, दूसरी ओर व्यापारियों को आज
बड़े ग्राहकों के साथ संवाद करने का अवसर मिल सकता है। वहीं मित्रों, अगर आप साझेदार में व्यापार करती हैं तो व्यापार करने वालों को बड़ी समस्या का समाधान निकल सकती है और पारिवारिक जीवन में और शांति रहेगी। वहीं मित्रों, घर में आज परेशानी होने की संभावना है। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आज आपको अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आज आप परेशानी भी हो सकती है और किसी बड़ी परेशानी में आज आप पड़ सकती हैं। वृषभ राशि जातकों, बात करें शुभ रंग और शुभ अंक की, तो आज आपके लिए शुभ रंग ब्राउन हैप्पी रहेगा और शुभ अंक आज आपका 4 है। वृषभ राशि जातकों, अगर आपके लिए उपाय की बात करें तो ये रहा आपके लिए उपाय। इत्र, खुशबू, अगरबत्ती और कपूर का दान करने से और इन्हें खुद इस्तेमाल करने से आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। वृषभ राशि जातकों, तो ये था आपका दैनिक राशिफल। अगर इन सभी जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।